आपने काले वाले चने की सब्जी तो बहुत बार खाई होगी, बहुत तरीके से बनाते हैं, आप इसकी चाट भी बनाकर खाते होंगे। पर आज ये जो मैं सब्जी बनाकर तैयार करूँगी बहुत ही टेस्टी है। आप एक बार अगर इसे बनाएंगे तो बार बार इसी तरह से ये सब्जी बनाकर खाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है 1.5 कप के लगभग चना और इसको मैंने रात को ही भिगो कर रख दिया था। आपको इसे कम से कम 8 घंटे के लिए भिगो देना है जिससे कि जो हमारा चना है वो अच्छे से फूल जाएगा। और बस दो बार इसे धो लेंगे। अब लेंगे एक कुकर और ये देखिए आपको दिख रहा होगा कुकर थोड़ा सा मेरा इसमें इस तरह से लाइनिंग बन रही है। तो इसमें मैंने जो कच्चे केले आते हैं वो बॉईल किए थे तो बस उसी का ही ये दाग रह गया है। और बस जो हमने चने भिगो कर रखे थे वो इसमें डाल देंगे। इसमें डालेंगे पानी, पानी आपको इतना डालना है जिससे कि जो हमारे चने हैं अच्छे से भीग जाएं। नमक डालेंगे इसमें 1 चम्मच के लगभग, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और क्वांटिटी के हिसाब से डालिएगा। और चम्मच से इसे मिला देंगे। अब हम इसमें कोई भी मसाला ऐड नहीं करेंगे और ढक्कन लगाकर हमें इसे मीडियम फ्लेम पर कम से कम 4 से 5 सीटी ले लेनी है। और उसके बाद भी आपको कुकर का प्रेशर निकालना नहीं है, अपने आप ही निकलने देना है। मतलब आपको तब तक इसे पकाना है जब तक कि आपके जो चने हैं अच्छे से पक ना जाएँ। ये देखिए मेरे जो चने हैं अच्छे से उबलकर रेडी हो गए हैं। बिल्कुल इसी तरह के हमें ये चने चाहिए। और इसको अब लेंगे हम एक बाउल और इसमें से जो हमने उबालकर चने रखे हैं 3 चम्मच में अलग कटोरी में इसे निकाल लूँगी। और बस अब हम लेंगे यहाँ पर 2 टमाटर मीडियम साइज़ के, मैं ये छोटे टमाटर ले रही हूँ। आप चाहें तो टमाटर की क्वांटिटी ज़्यादा कर सकते हैं, अभी टमाटर भी काफ़ी महंगे हो गए हैं। तो आप भी मुझे बताइए कि आपके सिटी में ये टमाटर का रेट क्या चल रहा है। तो बस छोटे छोटे टुकड़े में उसी जिसमें हमने चने निकाल के रखे थे उसमें हमें टमाटर काट लेना है और इसे डालेंगे मिक्सर जार में और ढक्कन लगा कर एकदम बारीक इसे पीस कर रेडी कर लेना है। और पीसने के बाद ये देखिए इस तरह का आपको दिखने लगेगा, एकदम बारीक पीसना है आपको इसे। चलिए अब हम चने का मसाला तैयार करेंगे। एक लेंगे वाटी, इसमें डालेंगे 1 चम्मच हल्दी पाउडर, डालेंगे गरम मसाला 1/2 चम्मच, धनिया पाउडर 1 बड़ा चम्मच डाल देंगे, भर के मैंने डाला है, 1/2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे और इसमें पानी डालकर इसे हमें अच्छे से घोल लेना है। पानी ये मेरा नॉर्मल पानी है, बस उसी को डाल करके हमें इसे अच्छे से मिला देना है। ये देखिए यहाँ पर हम नमक ऐड नहीं करेंगे। ये देखिए चलिए अब चलते हैं गैस की तरफ। गैस पर मैंने रख दी है कढ़ाई और इसमें डालेंगे 2 बड़ा चम्मच तेल। क्वांटिटी मेरी चने की ज़्यादा है इसलिए आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से तेल कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें जीरा डालेंगे, हींग डालेंगे और जीरे को चटकने लेंगे। कुछ मैंने खड़े मसाले लिए हैं जैसे काली मिर्ची ली हैं 2 लौंग हैं, 2 इलायची ली हैं छोटी, 1 तेज़पात का पत्ता है और दालचीनी के छोटे छोटे टुकड़े हमें कर लिए हैं मैंने। और उसे डाल देंगे तेल में और अच्छे से खड़े मसाले को भून लेंगे। जैसे ही हमारा खड़ा मसाला भून जाएगा हम इसमें डाल देंगे बारीक कटी हुई प्याज। यहाँ पर मैंने 2 बड़ी साइज़ की प्याज ली थी जिनको बारीक काट के रख लिया था। और ये है 1 चम्मच मेरा हरी मिर्ची, अदरक और इसके बाद मैंने इसमें डाल दिए थे करी पत्ते, बस उसी का दरदरा पिसा हुआ मैं यहाँ पर पेस्ट डाल दूँगी। और इसको भी एक बार अच्छे से हमें चला लेना है यानी भून लेना है। गैस का फ्लेम आपको यहाँ पर एकदम मीडियम पर कर देना है। प्याज को एक बार आप सौते कर लीजिए, इसका कलर आपको चेंज नहीं करना है, सिर्फ इसका कच्चापन आपको निकाल देना है। और बस इसके बाद जो हमने मसाला तैयार किया था बस वही हम डाल देंगे, एक बार में पूरा डाल देंगे जितना भी हमने बनाया है। ये देखिए मैं सारा मसाला इसमें ऐड कर दूंगी और फिर से हम लेंगे ये स्पैचुला और इसे फिर से चलाना शुरू करेंगे। आपको इसे तब तक भूनना है तब तक कि हमारा मसाला तेल रिलीज़ ना कर दे। 2 से 3 मिनट आपको इसे चलाते हुए लग जाएगी, अच्छे से भूनिएगा। ये देखिए अभी हमारा जो मसाला है उसने तेल रिलीज़ कर दिया है और जो हमने टमाटर और चने की प्यूरी बना के रखी थी बस वही इसमें डाल देंगे। अब फिर से हम इसे चलाएंगे क्योंकि हमने इसमें टमाटर कच्चे डाले हैं तो हमें उसे अच्छे से भूनना है। इसको भी हमें तब तक भूनना है जब तक ये ऑयल रिलीज़ ना कर दे। आप मेज़रमेंट के लिए
कप, कटोरी, गिलास कुछ भी ले सकते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे नमक, क्योंकि हमने टमाटर डाले हैं, थोड़ा सा ये गल भी जाएगा और मसाले में भी नमक ऐड हो जाएगा। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए, क्योंकि जब चने उबल रहे थे तभी भी हमने नमक डाला था। ये देखिए अभी हमारा जो मसाला है इसने तेल रिलीज़ कर दिया है। वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगेगी, लास्ट तक आप वीडियो में बने रहिए, तभी आप ये चने की सब्जी बनाकर रेडी कर पाएंगे। और ये देखिए मैगी का ये मेरे पास मसाला रखा था, बस मैं इसमें डाल दूँगी, इससे इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। ये मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगा, इसी तरह से ये क्यूब जैसे चॉकलेट के होते हैं बस इसी तरह से ये मार्केट में आते हैं। मैं इसे डाल दूंगी और फिर से इसे हमें अच्छे से मिला देंगे। इसको जब आप मिलाएंगे तो इसकी बहुत ही अच्छी सी एक खुशबू आने लगेगी। ये देखिए आप मुझे बताइए कि आप ये जो वीडियो है कौन सी सिटी से देख रहे हैं। और बस इसके बाद अब हमने जो चने उबाल के रखे थे बस वही इसमें ऐड कर देंगे और इसे स्पैचुला से एक बार चला देना है। और इसमें डालूंगी मैं यहाँ पर 2 कप के लगभग पानी। ग्रेवी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं 2 कप इसमें पानी अभी ऐड कर रही हूँ और उसी मैंने जार में जिसमें हमने टमाटर और चने पीस के रखे थे बस उसी जार में डालकर इसमें पानी मैंने ऐड कर दिया है, जिससे कि हमारा जार भी साफ़ हो जाएगा। और एक बार इसे चला कर आपको उसे ढक कर कम से कम 15 मिनट मीडियम फ्लेम पर इसे अच्छे से पका लेना है। 15 मिनट आप अच्छे से घड़ी लगा कर इसे पका लीजिए। ये देखिए हमारे जो चने हैं कितनी अच्छी एकदम टेम्पटिंग हमारी जो सब्जी है बनकर रेडी हो रही है। देख रहे हैं आप, कलर देखिएगा इसका। आप इस वाली सब्जी से रोटी, पराठा, पूरी, चावल, नान या फिर भटूरा भी इंजॉय कर सकते हो, बहुत ही टेस्टी लगती है। और इसमें मैं अब डाल दूँगी कसूरी मेथी, थोड़ी सी बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। और इसके बाद ये देखिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा अदरक के लंबे लंबे टुकड़े काट के रखे थे बस डाल देंगे। आप चाहें तो इसे ऐसे ही इंजॉय कर सकते हैं, पर मैं इसमें एक और तड़का दूंगी। तेल करिएगा गरम और इसमें 2 हरी मिर्ची बीच में से चीर कर डाल दीजिए। 1/2 चम्मच हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्ची डाल देंगे, ये तीखी नहीं होती है, सिर्फ कलर के लिए डालेंगे। और जिस टाइम आप इसमें तड़के में डाल रहे हों तभी आप लाल मिर्ची डालिएगा, क्योंकि ये फिर अगर गैस पर रख कर डालेंगे ना तो ये जल जाएंगी। और ये देखिए हमारा मस्त छोले की सब्जी बन करके हो गई है रेडी। मैं इसे सर्विंग बाउल में आपको निकाल करके दिखा देती हूँ। देख रहे हैं आप कलर कितना अच्छा आया है, ये सभी को काफ़ी पसंद आएगा। एक बार आप घर पर बनाइएगा, बच्चे बड़े सभी वापस आपको इसे बनाने की डिमांड करने लगेंगे। तो फिर अब मैं इसमें थोड़ा सा गार्निश के लिए हरा धनिया डाल दूंगी। तो आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर मिलूंगी आप सभी से एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।